नमस्कार, एक और बड़ी खबर के साथ हम आप लोगों के साथ में जुड़ रहे हैं। दोस्तों, लता मंगेशकर जी का निधन हो गया है। मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में लता दीदी का निधन हुआ। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि लगभग 20 भाषाओं से ज़्यादा तथा लगभग 30,000 अपने जीवन काल में इन्होंने गीत गाए थे। और आवाज़ की जादूगर लता जी अब इस दुनिया में नहीं रही। और दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है बॉलीवुड से। और जितने भी लोग और भी जानना चाहते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। हम पूरी डिटेल से आपको बता रहे हैं, पूरी जानकारी दे रहे हैं। और दोस्तों, जो कहा जा रहा है वो लगभग कोरोना और निमोनिया हो जाने के कारण इनका निधन हो गया। 2-3 दिन पहले से ही हालत इनकी थोड़ा सा बिगड़ रही थी, लेकिन बीच में कुछ सुधार हुआ था, लेकिन उसके बाद लगातार जो है हालत बिगड़ती गई और अभी आज जो है इनका निधन हो गया। इनका जन्म जो है वो 1929 में हुआ था और 2022 में इनका निधन हो गया। और अगर बात करें तो मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में इनका निधन हुआ। और दोस्तों, मैं आइए अब आपको ये भी बताते हैं कि कुछ लोगों का मानना था कि इनका गला जो है वो उस पर काफ़ी रिसर्च होनी थी और इनका गला बिका हुआ है, तो उसके बारे में भी हम आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे कि अब इनके गले का क्या किया जाएगा। और जो बहुत बड़ी चीज़ें हैं वो भी आज बंद कर दी गई हैं। बीजेपी का जो संकल्प पत्र जारी हो रहा था वो भी आज अब नहीं होगा। तो काफ़ी बड़ी खबर और काफ़ी दुखद खबर जो है बॉलीवुड से निकल के आ रही है। और स्वर कोकला का जो है निधन हो चुका है। और अगर बात करें तो इन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 30,000 से भी ज़्यादा गीत गाए, जिनमें से ज़्यादातर गाने जो थे वो सभी सुपरहिट साबित हुए थे। और आवाज़ के मामले में अब दूसरा इनके कोई टक्कर में नहीं है, आप समझ सकते हैं। तो पूरी जानकारी हम आपको देते रहेंगे, साथ में शो यात्रा और भी सारी जानकारियां मिलती रहेंगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ पूरी वीडियो में और हम पूरी जानकारी आपको देते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही और हम आप लोगों के साथ में जुड़ रहे हैं अगले वीडियो के साथ। तो बने रहिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कुछ कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि और भी जानकारियाँ इस पर मिलती रहें। और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इनके गले का क्या किया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।